हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, होप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप लोग VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर अपनी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही होगा VN वीडियो एडिटर अभी एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ जो यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स वीडियो अपलोड करते हैं वो सारी वीडियो इससे ही एडिट होती है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको VN वीडियो एडिटर टूटने वाला हूं और सब कुछ आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन में कैसे कैसे यहां पर वीडियो एडिट हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। तो यहां पर मैं अपने VN एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। तो यहाँ पर देखते हैं गाइज, हमने VN एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर दिया है। एंड ओपन करने के बाद आप लोगों को नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी वीडियो ऐड कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी अपनी एक वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अभी के टाइम पर। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने अपनी यहाँ पर ये वीडियो यहाँ से ऐड करता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, हमारी वीडियो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये वीडियो है, हमने सिंपली यहाँ पर शूट की थी, आप लोग देखते हैं हमने यहाँ पर ये वीडियो शूट कर लिया। तो शूट करने से यहाँ पर हमने वीडियो शूट करके यहाँ पर ऐड कर ली है। एंड गाइज़ अगर आप इसमें म्यूज़िक वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो में, तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूज़िक पर क्लिक करना होगा। एंड आप लोगों को म्यूज़िक वाले आइकन पर चले जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो जो भी आप यहाँ से सॉन्ग वगैरह ऐड करना चाहें वो गाइज़ आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं, मैंने ये सॉन्ग यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर सॉन्ग वगैरह ऐड करना चाहें तो जहाँ से भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप लोगों को सॉन्ग अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एंड नीचे साइड यहाँ पर आप लोगों को फेड इन एंड फेड आउट वाला आइकन देखने को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड नीचे साइड यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक बीट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ से, यानी कि इसका मतलब है जहाँ पर भी हमारे सॉन्ग में बीट आ रही है वो आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। जैसे कि गाइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे गाइज़ हमारे सॉन्ग में यहाँ पर बीट आ रही है तो मैं यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर ये ठीक लग जाएगा। एंड जो सेकंड बीट आ रही है, अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर क्लिक करके तो पता लग जाएगा कि हमारी सेकंड बीट यहाँ पर आ रही है। इससे क्या होता है गाइज़, हम अपनी वीडियो के जो फोटो हैं फोटो के हिसाब से, अपने बीट के हिसाब से फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ से अपना सिंपली से यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सॉन्ग को। तो देखते हैं हमारा सॉन्ग यहाँ पर ऐड हो चुका है। एंड सॉन्ग को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का स्टार्टिंग में फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। एंड आप लोगों को फोटो वाले आइकन पर चले जाना होगा। तो यहाँ से गाइज आप लोग कोई भी फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पर कोई भी एक फोटो यहाँ से ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, हम यहाँ पर मैंने ये फोटो ऐड कर लिया है। देखते हैं आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर कहीं भी इस तरीके से इधर साइड या इधर साइड आप ले जाके इसको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप इसकी लेयर को यहाँ पर आप लोग छोटा बड़ा भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखते हैं गाइज, अगर आप इसको यहाँ पर रखना नहीं चाहते हैं तो मैं इसको भी यहाँ पर फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो इस लेयर पर क्लिक करके नीचे की साइड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको डिलीट का एक ऑप्शन, ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा, तो इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर फोटो जो है अपना कट कर दिया है। एंड गाइज अब हम नीचे की साइड जाओ, यहाँ पर हमें नीचे फिल्टर जो गाइज हमें आइकन दे रखे हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है टेम्पलेट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, आपको यहाँ पर इनको डाउनलोड करके इनको यहाँ पर आप लोगों को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। मैंने तो अभी यहाँ पर डाउनलोड नहीं की कर रखे हैं, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है हमारा फिल्टर, तो फिल्टर पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाएंगे, आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो जो भी आप फिल्टर यहाँ से ऐड करना चाहें वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपको फिल्टर देखने में अच्छा लगे आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कोई भी इसमें फिल्टर नहीं ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है गाइज हमारा स्पीड, तो आप लोगों को स्पीड वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप स्पीड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको अब गाइज हमको यहाँ पर करना क्या होगा, अगर आप इसको यहाँ पर नीचे ले जाओगे तो हमारा वीडियो स्लो मोशन में हो जाएगा। एंड गाइज अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा वीडियो यहाँ पर स्पीड में हो जाएगा, यानी फास्ट हमारा यहाँ पर वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखते हैं, अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर नीचे लेकर आया हूँ, फिर इसको फास्ट कर देता हूँ, फिर इसको यहाँ पर थोड़ा स्लो करता हूँ, फिर इसको फास्ट करता हूँ। तो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखते हैं, पहले स्लो फिर फास्ट, कुछ इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देख ही सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ना स्लो में कर रहा हूँ ना फास्ट में, मैं सिर्फ आपको भी यहाँ पर सिखाने की
कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है स्प्लिट का। तो स्प्लिट का मतलब है हमारी वीडियो को अगर हम काटना चाहते हैं, अपनी वीडियो को डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड हो गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है हमारी वीडियो। और गाइस अगर आप मैं इस वीडियो को यहाँ पर कट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर कट हो जाएगी। ठीक है अभी मैं अपनी वीडियो को यहाँ से बैक करता हूँ। ठीक है तो अब यहाँ पर आता है गाइस फोर्थ नंबर पर, यहाँ पर आता है एक फिफ्थ पे आता है ट्रिम। ट्रिम का मतलब है यानी कि गाइज हम अपनी वीडियो को यहाँ पर इस तरीके से कम ज़्यादा करना चाहते हैं और इसकी स्पीड को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करना चाहें तो वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कोई भी कुछ भी नहीं करना चाहता, ओरिजिनल पर क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर गाइज सिक्स्थ नंबर पर आता है हमारा एफएक्स। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एफएक्स का मतलब है हम गाइज इसमें यहाँ पर एफएक्स ऐड करना चाहें कुछ अलग अलग, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को इस एप्लीकेशन में बहुत सारे एफएक्स देखने को मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है मैं आपको एक यहाँ पर कोई यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आपको ये फ्लिकर वाला दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का है और ये नेक्स्ट है, ये गाइज देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। एंड गाइज अगर ये ऊपर की साइड करें तो आप लोग इसको जहाँ पर भी ऐड करना चाहें एफेक्ट्स को वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बैक करना होगा। तो मैं अभी यहाँ पर कोई भी इसमें ऐड नहीं करना चाहता। एंड यहाँ पर आता है गाइस फिर करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर आपको क्लिक करना होगा। वॉल्यूम का मतलब है अगर आप इस वो जो ये हमने यहाँ पर वीडियो ऐड की हुई है, अगर मैं इसका वॉल्यूम यहाँ पर बंद करना चाहता हूँ, इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट करना चाहता हूँ, तो गाइस इसका म्यूट करने के लिए यहाँ पर मैं इसको 0% कर दूंगा तो इसका जो साउंड है वो म्यूट हो जाएगा। एंड मैं इसको 100% करूंगा तो इसका साउंड यहाँ पर फुल हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से ओके पर क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर आता है गाइस बिजी बैकग्राउंड, यानी कि अगर आप लोग अपनी वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पर करना चाहते हैं, देखते हैं अगर आप लोग अपनी वीडियो का रेशो थोड़ा छोटा करते हैं एंड जो उसका बैकग्राउंड में आप कलर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप इमेज वगैरह ऐड करना चाहें तो आप लोग गाइस इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अभी कोई भी एक इमेज इसके पीछे ऐड करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दिया है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको फिलहाल यहाँ से कट कर देता हूँ। एंड कट करने के लिए बैक यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको बैक यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं हम क्रॉप, यानी कि मैं अब गाइस क्रॉप वाले आइकन पर जाता हूँ। एंड यहाँ पर आप लोगों को अपने कोई भी फ्रेम में अगर आप वीडियो एडिट सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जैसे कि हमें यहाँ पर गाइज 16:9 की रेशो मिल जाएगा, 1:1 मिलेगा, 4:4 मिलेगा, 9:16 मिलेगा, 2:3 मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को रेशो देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को जो भी यहाँ पर रेशो सेलेक्ट करना है, फ्रेम सेलेक्ट करना है, वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ओरिजिनल पर यहाँ पर रहने देता हूँ। एंड यहाँ पर आता है मिरर, यानी कि मिरर हम अपनी वीडियो को लेफ्ट से राइट की साइड ले लेना लाना चाहो। गाइस हमारी वीडियो गलती से राइट साइड शूट हो गई है और हम उस वीडियो को लेफ्ट साइड करना चाहते हैं, तो आप लोग इस आइकन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को लेफ्ट से राइट साइड ला सकते हैं। तो इस आइकन का वो काम होता है। और फिर इसका फ्लिप वाला, यानी कि ऊपर से आप अपनी वीडियो को नीचे ला सकते हैं, ये फ्लिप वाला वही काम करता है, अपनी वीडियो को ऊपर से नीचे ला सकता है, नीचे से ऊपर ले जा सकता है। एंड अब आप करते हैं यहाँ पर फ्रीज की बात। तो फ्रीज में यहाँ पर देखते हैं तो यानी कि फ्रीज का काम यहाँ पर कट होना, यानी कि हम अपनी वीडियो को अगर गाइस यहाँ पर 3-4 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है अभी मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ। यहाँ पर अब बात करते हैं हम रिवर्स, यानी कि अपनी वीडियो को अगर मैं रिवर्स करना चाहता हूँ तो हमारी वीडियो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी। मैं आपको एक बार ये करके दिखा देता हूँ। तो देखते हैं हमारा प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर हमारी वीडियो रिवर्स हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो देखते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी अगर हम करना चाहें। ठीक है हमारी वीडियो यहाँ पर रिवर्स हो गई है, आप लोग देखते हैं। ठीक है हमने पहले ऐसा नहीं किया था, ठीक है हमारी वीडियो रिवर्स हो चुकी है। तो मैं इसको अभी यहाँ से बैक करता हूँ तो हमारी वीडियो देखते हैं, ये ओरिजिनल वीडियो, ठीक है ये हमारी वीडियो ओरिजिनल है। एंड यहाँ पर अब बात करते हैं हम जूम। तो जूम अगर आप अपनी वीडियो को जूम वगैरह करना चाहें, जूम आउट या जूम इन, गाइज मूव लेफ्ट मूव राइट, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है अभी हम यहाँ से कोई भी इसमें ऐड करना नहीं चाहते हैं। एंड यहाँ पर अब लास्ट में बात करते हैं हम फॉरवर्ड, यानी कि आप लोग अपनी वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं, फॉरवर्ड करना चाहें तो आप लोग यहाँ से अपनी वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर सारे फंक्शन तो आप लोगों को बता ही दिए हैं और होप करता हूँ आप लोगों के सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। तो अब गाइस अब बात करते हैं कि हम ये वीडियो अपनी गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ऊपर एक्सपर्ट
पासपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा एंड आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे हमारी वीडियो ये गैलरी में सेव हो जाएगी, तो आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं एंड आप लोग अपने इंस्टाग्राम रील्स अकाउंट पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।